कैलाश मंदिर। इस मंदिर की बनावट और इसकी बनावट की रचना को देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो गए। ये मंदिर अपने सबसे अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे राजकूट वंश के नरेश कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। ये अलोरा के कई गुफाओं में से एक है और कहते हैं इसे बनाने में 150 साल का समय लगा था। हर मंदिर को बनाने के लिए या किसी भी इमारत को बनाने के लिए पत्थर को एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है, पर मानना है कि इसे पहाड़ से तोड़ तोड़ के बनाया गया है। जैसे मूर्ति को पत्थर से बनाया जाता है ऊपर से नीचे तक, 90 फीट ऊंचाई, 250 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है ये मंदिर। एक ही पहाड़ के टुकड़े से सबसे बड़े मंदिर और सजावट की मूर्ति बनाने के लिए मशहूर है, जिसे बनाने के लिए लगभग 7000 लोग लगे होंगे। पहाड़ काट काट के मंदिर सजावट के पुतले, खम्भे, इक्यादा बारीक सजावट मंदिर की सब बनाई गई। यहाँ की बाहर निकलने का जगह, छत, ऊपर का बनावट, गुफाएं, सीढ़ियाँ, सोचो इतना सब पत्थर को काट के बनाने में कितना अलग प्लानिंग और कठिन परिश्रम लगा होगा। कहा जाता है 4 लाख पत्थर काट काट कर निकाला गया, 7000 लोग मिलकर 150 दिन की मेहनत से बनाया हो गया ये वैज्ञानिक का कहना है, पर लोगों का कहना है ये महज 17 साल में बनकर तैयार हुआ। जब उस ज़माने में ना तो बड़े क्रेन थे, ना पत्थर हटाने के लिए अच्छी काम की चीज़ें, पर ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ कोई पूजा पाठ कभी नहीं हुआ, ना यहाँ कोई पुजारी होते हैं। शिव जी का सबसे प्राचीन मंदिर पर इसे पूजा के लिए नहीं बनाया गया है, तो ये मंदिर बनाने का मकसद क्या होगा कृष्ण प्रथम जी का? विचार कीजिए, आज भी ये बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग, अलग अलग 3D प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट, यूज़ ऑफ आर्किटेक्चरी एंड एडवांस यूज़ ऑफ ऑल बिग इक्विपमेंट भी यूज़ कर लिया जाए तो भी इसे हूबहू बनाना नामुमकिन है। फिर यही सवाल उठता है कि इसे बनाया किसने और कैसे? बहुत लोग का मानना है कि स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल से इसका निर्माण हुआ था, पर सच्चाई पता नहीं क्या है। जैसे काफ़ी रहस्य है इजिप्ट के बारे में और काफ़ी दुनिया की चीज़ें, वैसे ही हमारे इस मंदिर के बारे में भी है। आपको गर्व करना चाहिए कि हमारे संप्रदाय में ऐसा किसी चीज़ का निर्माण हुआ है।